हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। में इस वीडियो में आप लोगों को स्किन को वाइट, स्पॉटलेस और ग्लो बनाने की टिप्स बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ली हूँ, देखिए, एलोवेरा और आप ले लीजिए दही। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो हमारे कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक वरदान है। एलोवेरा का जेल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 पाया जाता है, कि हमारे स्किन को बहुत ही पोषक तत्व मिल जाता है और हमारा स्किन हेल्दी हो जाता है। आपकी स्किन बहुत डल है, ड्राई है, तो आपके लिए हेल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करेगा और आप जानते होंगे कि दही हमारी स्किन को ब्राइट ग्लो और हमारे स्किन टोन को निखारने में बेनिफिट होता है। तो मैं इसमें ले लेती हूँ, मैं 2 चम्मच दही ले लेती हूँ। ये दही हमारे स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उसे भी रिमूव करता है और हमारे डल स्किन को साफ करता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को डालकर आप इसे अच्छा तरह मिक्स कर लीजिए। चलिए मैं कर लेती हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं, आपके पास इस तरह का एलोवेरा जेल है तो आप ले सकते हैं। आपके पास इस तरह का जेल नहीं है तो आप दूसरा एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। इसे जब आप मिक्स करते हैं तो ये एक क्रीम का जैसा बन जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये पूरा एकदम क्रीम लग रहा है। आप इसे जैसे जैसे मिक्स करते हैं तो ये आपके क्रीम का तरह बन जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ये मेरा तैयार हो गया है। इसे थोड़ा और मिला लेती हूँ मैं। आप इसे जितना मिलाते हैं उतना ही ये एक क्रीम का रूप में तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आप इसमें मार्केट में बिकने वाला अदर किसी भी ब्रांड के एलोवेरा जेल को इसमें यूज़ करते हैं तो ये और भी अच्छा तैयार होता है। बट मैंने यहाँ पर अपनी घर पर ही एलोवेरा प्लांट से लिया गया एलोवेरा जेल इसमें यूज़ की हूँ। तो आपको थोड़ा इसमें दिख रहा होगा, वो थोड़ा गोटा इसका एलोवेरा जेल की इसमें दिख रहा होगा, पर आप जो स्मूथ मार्केट में बहुत ही स्मूथली प्योरीफाई जेल होता है तो आप उसमें मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छा और जल्दी ये मिल जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा जेल बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, ये पूरा क्रीम लग रहा है। ये आपका मसाज क्रीम है। आप जो अपने फेस पे लगाकर पहले आप बहुत देर तक इसे थोड़ा 15 मिनट तक इसे मसाज करें अपनी स्किन पर। तो आपको मैं दिखा देती हूँ अपनी स्किन पर लगाकर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा इसका कलर्स और पूरा ये क्रीम लग रहा है। मार्केट में बिकने वाला एलोवेरा जेल इसमें यूज़ करते हैं, ये पूरा तरह आपको क्रीम लगेगा। बट मैं यहाँ पर प्लांट किया गया, मैं घर पर प्लांट किया गया एलोवेरा जेल इसमें यूज़ की हूँ तो ये आपको थोड़ा दिखने में थिन लग रहा होगा। आप इस तरह अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लीजिए और उसे 5 मिनट के लिए थोड़ा देर के लिए मसाज कीजिए अपने स्किन को। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्रीम मेरा तैयार हो गया है जिसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये मेरे स्किन में बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब हो जा रहा है और ये बहुत स्मूथ लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा स्किन बहुत ही अच्छा कवर कर ले रहा है। आप अपने स्किन पर इसे हल्के हाथों से मसाज कीजिए और आप इसे थोड़ा देर के लिए अपने स्किन पर सूखने दीजिए। 15 मिनट तक इसे अपने स्किन पर रहने दीजिए जिससे कि ये हमारे पोषक तत्वों को अच्छा तरह हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं वॉश कर ली हूँ तो ये मेरा स्किन पहले से बहुत ही फेयर ग्लो और बहुत स्मूथ हो गया। मेरा स्किन पहले से बहुत स्मूथ हो गया। आप इस पैक को यूज़ करते हैं तो आपका स्किन बहुत ही यंग हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। तो इस पैक का यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी, ब्राइट एंड फेयर हो जाता है। आप इसे लगाकर इसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए और उसके बाद आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होगा। ये स्किन को वैसे ही पहले हमारे स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज कर देता है। अगर आपका स्किन बहुत ही ड्राई है तो आप इस पैक को यूज़ कर आप अपनी स्किन का ड्राइनेस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और पानी का सेवन करना पड़ेगा जिससे कि आप हाइड्रेट हो जाए
और आपका स्किन मॉइस्चराइज हो जाए, तो आप इस पे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये पूरा नेचुरल होता है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। ये अपने घर पर ओरिजिनल चीज़ों को आप मिलाकर इस तरह का पैक तैयार कर लीजिए और आप अपनी स्किन को फेयर ग्लो स्पॉटलेस बनाइए। बहुत से लोग कम नील लेते हैं या बहुत से गलत खान पान के वजह से आंखों के पास डार्क सर्कल पड़ जाता है, तो आप उन डार्क सर्कल को मसाज क्रीम से ठीक कर सकते हैं। आपको इसे थोड़ा आंखों के चारों ओर इसे थोड़ा हल्के हाथों से आपको मसाज करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारी स्किन में अच्छा तरह एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन के डार्क सर्कल को ये बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। तब तक के लिए टेक केयर।